गोंदिया शहर से पूरे जिले में क्रिकेट में सट्टा 92 जुए का जाल फैल चुका है। कुछ क्रिकेट के सट्टे वाले बूकी जो गोंदिया शहर के युवा पीढ़ियों को पूरी तरह से बिगाड़ चुके हैं और अपने अपने घरों को आलीशान बंगले व महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखने वाले व बड़ी बड़ी होटल के मालिक बनकर फार्म हाउस बना लिया है और उस फार्म हाउस में से अपना क्रिकेट सट्टा व ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहे हैं और प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मगर प्रशासन इन लोगों पर लगाम कसना चालू कर चुका है। गोंदिया शहर के जितने भी बूकी हैं वह सब अंडरग्राउंड हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि हमने प्रशासन को बेवकूफ बनाने में सफल हो गए हैं। मगर बड़े बड़े बूकी स्टोरी को यह जानकारी नहीं मिली कि प्रशासन मुस्तैद है इन लोगों के खिलाफ। बड़े बड़े सफल गुंडे बदमाशों को आत्मसमर्पण करते हुए हमने देखा है। तो यह बूकी सटोरी क्या चीज है और गोंदिया की जनता इस बात की गवाह है। इन्हीं सटोरियों के कारण कुछ लोगों के घर व बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इनका पैसा देने के कारण कुछ लोगों ने अपना घर दुकान व अपने आप को भी बेच चुके हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या तक भी कर ली है। आप लोगों को महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ बड़े लोगों के अलावा अफसर और कुछ पुलिस प्रशासन का साथ भी इन्हें मिल रहा था। पर अब शहर में नए एसपी निखिल पिंगले के आ जाने से खुशी का माहौल शहर में दिख रहा है। आम जनता को काफी उम्मीद है एसपी साहब से, क्योंकि इन्हें जब से अपना पदभार संभाला है तभी से सभी अवैध धंधों को बंद करने पर करप्शन की आड़ में गलत लोगों का साथ देने वालों की खबर लेना इन्होंने चालू कर दिया है। जिस तरह से एसपी के मार्गदर्शन में पुलिस अपना काम कर रही है वह अवैध रेती माफिया, नकली दारू, गुटखा, सट्टा, मटका, क्रिकेट मैच बुकिंग पर लगाम कसना पुलिस ने शुरू कर दी है। आम जनता एसपी से उम्मीद करती है कि क्रिकेट बुकी व सटोरियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें तड़ी पार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खासकर गोंदिया शहर को नशा मुक्ति व क्रिकेट सट्टा मुक्त बनाने के लिए लोग एसपी से उम्मीद लगाए है। महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज चैनल के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। तुम्हारे यहाँ इतने सुंदर और स्वस्थ फूल पौधे और सब्जियाँ कैसे? ये सब कृषि क्रांति केंद्र के कृषि पिट का कमाल है। मैं कृषि पिट में ही सब्जियाँ, फूल और पौधे उगाती हूँ। कृषि पिट रेडी टू यूज सॉइल मीडिया है। कृषि पिट गार्डन गमले ट्रे में उपयोग करने से फूल फल सब्जियाँ उत्तम और स्वस्थ होती है, समझी? कृषि क्रांति केंद्र, शनि मंदिर रोड, सीतापर्डी, नागपुर। ऑनलाइन www.krishikranti.com।